Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों भारत में क्रिकेटरों को काफी सम्मान मिलता है, फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। इतना ही नहीं, फैंस खिलाड़ियों की निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियों के बारे में, जो बॉलीवुड अभिनेत्रियों से भी एक कदम आगे है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स की पत्नियों ने भी अपनी तस्वीर शेयर करके खूब सुर्खियां बटोरी है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको 20 भारतीय क्रिकेटरों की पत्नियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी दीपिका पल्लिकल शादी करने से पहले ही स्क्वैश में एक बड़ा नाम थी। देश के सबसे लोकप्रिय स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक दीपिका पल्लिकल PSA रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय भी है। बहुत कम भारतीय क्रिकेटरों ने एक क्रिकेटर से शादी की है, जिसमें से एक केदार जाधव भी है। केदार जाधव की पत्नी स्नेहल जाधव एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जिन्होंने महाराष्ट्र और वेस्ट जोन के लिए राज्य स्तर पर खेला है। हालांकि वह इंटरनेशनल स्तर पर जगह नहीं बना पाए, लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने हैदराबाद और ओडिशा जैसी अन्य राज्य टीमों के लिए क्रिकेट खेली है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने रीवा सोलंकी से शादी की है। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और बहुत कम समय में दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। भारतीय टीम के टॉप स्पिनरों में से एक हरभजन सिंह ने बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बसरा से शादी की है। हरभजन सिंह की पत्नी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। गीता बसरा पंजाब की फेमस अभिनेत्री है। उन्होंने दिल दिया है, सेकंड हैंड हस्बैंड और जिला गाजियाबाद जैसी विभिन्न फिल्मों में काम किया है। हालांकि शादी करने के बाद से गीता बसरा ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका चौधरी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उन्होंने नीदरलैंड के विभिन्न बैंकों के साथ IT प्रोफेशनल के रूप में काम किया है। वर्तमान में प्रियंका चौधरी अपने NGO के लिए काम कर रही है, जो डिलीवरी के समय माँ और बच्चे की जागरूकता को बढ़ावा देता है। साल 2011 में शादी के बंधन में बंधने से पहले क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और उनकी पत्नी प्रीति नारायण एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों कपल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने 2014 में राधिका से शादी की है। रहाणे और राधिका एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। अजिंक्य रहाणे की पत्नी राधिका इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और वह इससे जुड़े कुछ कोर्स कर रही है। साक्षी धोनी को तो आज के समय में बच्चा बच्चा जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। मीडिया वाले कहीं न कहीं इन्हें स्पॉट कर ही लेते हैं। एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी इन्होंने अपने आप को काफी फिट रखा है। इन्हें देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि यह एक बच्चे की माँ है। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से शादी होने से पहले भी रितिका सचदेव का क्रिकेटरों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने एक स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में काम किया था। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया से करियर की शुरुआत करने वाली सागरिका घाटगे ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जहीर खान से शादी की है। इनकी खूबसूरती का एक झलक आप भी देख लीजिए। टीम इंडिया के लिए खेल चुके मनोज तिवारी की पत्नी सुष्मिता रॉय बेहद ही खूबसूरत है। दोनों की शादी 2013 में हुई थी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी अपनी पत्नी श्रद्धा खारपुड़े के साथ साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड नुपुर नागर के साथ 2017 में शादी रचाई थी। भुवनेश्वर कुमार की पत्नी दिखने में बेहद खूबसूरत है। टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने अपनी गर्लफ्रेंड चेरुपल्ली विद्या को कई साल डेट करने के बाद साल 2009 में शादी रचाई थी। रायडू की पत्नी भी बेहद खूबसूरत है। टीम इंडिया महान क्रिकेटरों में शुमार राहुल द्रविड़ साल 2004 में शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी पत्नी का नाम विजेता है। दोनों के दो बच्चे हैं। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी गर्लफ्रेंड चारुलता के साथ 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे। तान्या वाधवा भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव की पत्नी है। तान्या का जन्म दिल्ली में हुआ था। 29 साल की तान्या एक फैशन डिजाइनर भी है। भारतीय टीम के सबसे युवा विकेटकीपर रहे पार्थिव पटेल ने 2008 में अवनी जावरी के साथ सात फेरे लिए थे। इनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। वीरेंद्र सहवाग ने बचपन की दोस्त आरती अहलावत से 2004 में शादी की थी। सहवाग अपनी पत्नी आरती से पहली बार तब मिले थे जब वह महज 7 साल के थे, जबकि आरती 5 साल की। बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा की पत्नी का नाम शीतल गौतम है।
2016 में शीतल गौतम के साथ भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा शादी के बंधन में बंधे थे।